Good morning, children. Today I will teach you chapter 10, time. Time को कहते हैं समय. समय बहुत ही हमारा मूल्यवान होता है. समय के अकॉर्डिंग ही हमें सारी चीजें करने चाहिए, सारे काम करना चाहिए. वो कहते हैं अगर हमारा समय निकल गया तो हम पछताते रह जाते हैं. इनके जैसे हम स्कूल आते हैं तो स्कूल आने पे हम लोग लेट आएंगे तो हमारा बाहर का दरवाजा बंद हो जाता है, गेट बंद हो जाता है मेन गेट. तो कभी कभी क्या होता है कि हमें स्कूल से फिर बाहर वापस ही जाना पड़ता है. तो इसीलिए हमें समय के बहुत ही पाबंद रहना चाहिए और समय से ही सारी चीज़ें करना चाहिए. जैसे हम लोग स्कूल आते हैं, टीचर्स स्कूल आते हैं तो हम लोग अगर थोड़ा सा लेट आए तो हमारा CL लग जाता है. तो आज हम लोग समय के बारे में ही सीखेंगे. दिस इज अ क्लॉक. ये क्लॉक है. क्लॉक में क्या होता है, 12 नंबर होते हैं. कितने नंबर होते हैं? 12 नंबर होते हैं. और ये हमारा क्या होता है, 1, 2, 3. ये हमारे मिनट मार्किंग होते हैं. इसको बोलते हैं मिनट मार्क. एक क्लॉक में 2 नीडल्स होती हैं. ये स्मॉल हैंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आवर हैंड. क्या बोलते हैं? आवर हैंड. जो हमारा स्मॉल नीडल और हैंड दोनों ही बोल सकते हैं इसे. तो जो हमारा स्मॉल हैंड है इसको हम लोग आवर हैंड बोलते हैं और जो हमारा लॉन्ग हैंड है इसको हम लोग बोलते हैं मिनट हैंड. और ये है हमारा मिनट हाँ. इससे हम मिनट की काउंटिंग करते हैं, इससे हम लोग आवर मीन्स घंटे की काउंटिंग करते हैं, इससे हम लोग मिनट की काउंटिंग करते हैं कितना मिनट है. तो जैसे हम यहाँ पे है हमें 1 बज रहा है, 1 o'clock बज रहा है, 1 o'clock. हम लोग मिनट पे काउंट करेंगे 1, 2, 3. ये मिनट मार्क